शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो मछलियाँ बेचकर अपनी जिंदगी गुजार रही होती है और उसे रिक्शा खरीदने की बहुत इच्छा है पर उसके पास पैसे नहीं होते। इसी तरह वो अपनी जिंदगी गुजार रही होती है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो मछली काटते वक्त उसमें से हीरा निकल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और हीरे को बेचकर उन पैसों से एक रिक्शा खरीद लेती है और उसे रोज रिक्शा चलाते हुए बहुत खुशी होती थी और वो अपने रिक्शे को भी बहुत संभाल कर रखती थी। ऐसे ही वो रोज अपने रिक्शे से घूमा करती थी। एक दिन जब वो रिक्शा चला रही थी तब अचानक से एक बच्चा उसके सामने आ जाता है जिससे औरत का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है, जिसके कारण औरत को दिखना बंद हो जाती है, जिससे वो बहुत उदास हो जाती है और उसकी रिक्शा भी पूरी तरह से टूट जाता है। अब उसे दिखना बंद हो चुकी है तो वो कुछ काम भी नहीं कर सकती, इसलिए वो घर बैठे बैठे उदास हो जाती है। फिर वो उदास बैठने के बगैर बचे कुछ पैसों से अपनी रिक्शा ठीक करवा लेती है और वो बिन देखे जीने के बगैर अपने रिक्शे के साथ वो भी नदी में कूद जाती है।